नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु दुबे स्वागत करना चाहूँगा आप सभी का अपने YouTube चैनल डिफेंस कॉरिडोर के ऊपर। आज हम बात करेंगे जो आजकल युद्ध का माहौल बना हुआ है रूस और यूक्रेन के बीच, इसकी शुरुआत कैसे हुई और कौन इस युद्ध के लिए जिम्मेदार है। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। रूस, जिसे USSR भी जाना जाता था 1991 से पहले, यह एक देशों का संगठन था जिसमें जो कि एक रूस के राजा द्वारा स्थापित किया गया था। USSR संयुक्त सोवियत संघ भी इसके ही नाम थे, लेकिन 1991 में बुरी अर्थव्यवस्था के कारण USSR, जिसे कि सोवियत संघ कहा जाता था, उसका विघटन हो गया, जिसके कारण रूस से 15 देश अलग हो गए। लेकिन फिर भी रूस के पास 70% आबादी और 70% लैंड उसके वापस बच गया। वो देश यूक्रेन, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्की, इस तरह के देश थे। लेकिन यूक्रेन उसके बाद बहुत ही अच्छे तरह से विकास कर रहा था, लेकिन असली मुद्दा तो तब शुरू हुआ 2014 में, जब वहाँ की जनता में एक आक्रोश फैल गया कि हम नेटो देशों में, यूरोपीय यूनियन और नेटो देशों में शामिल होना चाहते हैं। अब मैं बताना चाहूँगा नेटो क्या है। नेटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ सभी यूरोपीय देश रहते हैं। इसमें तत्कालीन तौर पर 28 मेंबर हैं। नेटो की ये कहानी है कि अगर एक देश पर हमला होगा तो सभी 28 मिलकर उसको मारेंगे। लेकिन नेटो ने अभी तक कभी भी ऐसे रूस जैसे मजबूत देश से पंगा नहीं लिया था। नेटो ने क्या किया, अफगानिस्तान से लड़ाई की, सीरिया से लड़ाई की, लेकिन अब उसे टक्कर का साथी मिला है रूस, तब नेटो की सिट्टी पिट्टी गुल है। नेटो क्या करना चाहता है? नेटो में सबसे बड़ा हाथ तो अमेरिका का है, सबसे गलत काम अमेरिका करता है। अब रूस की ही बात मान ली जाए तो रूस तो सबसे सही देश है, क्योंकि अगर हम अपने देश का ही उदाहरण लें, भारत है और श्रीलंका है, अगर पाकिस्तान श्रीलंका में जाके बैठ जाए तो भारत पाकिस्तान को तोड़ेगा ही और श्रीलंका को भी तोड़ेगा। वही काम अमेरिका करना चाहता है। अगर नेटो का सदस्य यूक्रेन बन जाता है तो ये जो रूस का बॉर्डर हमें दिख रहा है, यहाँ पर बैठा देगा अमेरिका अपनी सेना को, और रूस की राजधानी यही मॉस्को है, और इसे तंग करता रहेगा, जो कि बहुत गलत है, हर किसी को उससे दिक्कत होगी। तो रूस बार बार मना कर रहा है, और यूक्रेन तो एक नंबर का बेकार देश है। यूक्रेन ने क्या किया, गैस की पाइपलाइन, आर्थिक मदद 35 बिलियन की आर्थिक मदद हर वर्ष रूस यूक्रेन की करता था, लेकिन इतनी मदद लेने के बाद भी उसने एहसान फरामोशी को दिखाया, और कोई देश ने हिम्मत नहीं की। फिनलैंड को भी ऑफर मिला था नेटो में शामिल होने का, लेकिन उसने मना कर दिया। वो जानना है कि उसे व्यापार रूस से करना है।